दोस्तों कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं ये आज दो कलर का बहुत प्यारा सा मोती वाला डिज़ाइन लेकर आई हूँ और बहुत खूबसूरत लगता है, बनाने में बहुत ही आसान है। इसे किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई किया जा सकता है, लेडीज़ कार्डिगन पर, जींस स्वेटर पर या बच्चों के स्वेटर पर, शॉल या कैप भी इस डिज़ाइन से बनाया जा सकता है और बहुत खूबसूरत लगता है। मोती जैसे इसके स्टिच आते हैं, ये देखिए बिल्कुल एज टू एज जैसे मोती हूँ इसी तरीके से लग रहा है। तो चलिए गाइस, हम देख लेते हैं ये किस तरीके से खूबसूरत पैटर्न बनता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसे बनाने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे आ रहे लाल कलर के बटन को दबा दें और घंटी को भी बजा दें। इसी होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। और फ्रेंड्स, ये 4 रो रिपीट पैटर्न है और बहुत इजीली बनता है, तो चलिए देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने इसमें ओट फंदों का प्रयोग किया है। वैसे इवन फंदों में भी बन सकता है, पर पैटर्न जो है इवन फंदों का है, पर मैंने यहाँ पर ओट फंदे लिए हैं और दूसरा कलर यहाँ पर जोड़ लिया है। तो ओट फंदे मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि फिर शुरू से एंड तक हमारा एक कलर जो हमारा पैटर्न बन जाएगा वो आप देखेंगे, एंड तक आपको पता चल जाएगा। तो मैंने एक फंदा बना लिया, एक फंदा स्किप किया, एक फंदा बना लिया। फिर से एक फंदा स्किप किया, एक फंदा बना लिया। ये मैं सीधी तरफ से बना रही हूँ। तो हमारी फर्स्ट रो में हमें यही करना है, एक फंदा बनाना है और एक स्किप करना है। ये देखिए, एक फंदा बनाना है। बहुत बिल्कुल मोती जैसे डिज़ाइन जो है बहुत प्यारा लगता है। चलिए अब हम सेकेंड रो में आ चुके हैं। अब सेकेंड रो देखिए, ये मैंने मेरा किनारे तक फंदा आया है और जब मैं आउट फंदे लेती तो यहाँ पर वाइट फंदा होता, इसलिए यहाँ पर हमने इस पैटर्न में आउट फंदे लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक फंदा उतारा जो हमने नहीं बुना था, वो फंदा उतार लिया है। धागे को पीछे करके जो फंदा बुना था यानी ग्रीन वाला, उसे हमने सीधा बनाया है। सॉरी, धागा पीछे गया। देखिए, फंदा हमने उतार लिया और धागे को पीछे करके ग्रीन वाला फंदा हमने सीधा बना दिया। धागा अपनी ओर करेंगे, वाइट फंदा उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, ग्रीन वाला फंदा हमने सीधा बनाना है। तो इसी तरीके से हमें ये पैटर्न कंप्लीट करना है। रो कंप्लीट कर लिए हमने और अब की बार हम नहीं, वो पहले वाला फंदा उतार लिया है और वाइट वाला फंदा बना लिया, यानी जो पहली बार बनाया था वो अब की स्किप होगा और जो स्किप किया था वो अब की बार हम बनाएंगे। तो इसी तरीके से थर्ड रो बनेगी। जो फंदा पिछली रो में बना था वो इस रो में स्किप होगा और जो स्किप हुआ था वो अब की बनेगा। तो चलिए मैं अपनी रो कंप्लीट कर लेती हूँ।
हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रो की तरफ। ये देखिए हम अपनी नेक्स्ट रो बना रहे हैं। तो ये फंदा हमने पिछली बार स्किप किया था और अब की धागा अपनी ओर करेंगे, और जो फंदा हमने आपकी बार बनाया है उसे धागे को पीछे करके बना देंगे। यानी वो ही दो रो हमारी पूरे पैटर्न में रिपीट होनी है, सिर्फ दो रो का पैटर्न है। बट ये समझाने के लिए मैं यहाँ पर 8 रो बना रही हूँ। सिर्फ दो रो का पैटर्न है, वही दो रो रिपीट होती हैं। बस फंदों को अदल बदल करके तो ये रो हम अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारी 4 रो कंप्लीट हो चुकी हैं, और अब हम यहाँ पर अपना दूसरा कलर ले लेते हैं। आप जब भी नया कलर लगाएंगे आप पहले फंदे से ही स्टार्ट करेंगे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ये पहला फंदा हमने वाइट का बनाया, एक फंदा स्किप किया, एक फंदा बनाया, फिर से स्किप किया, फिर बनाया। ये फिफ्थ रो हम बता रहे हैं। देखिए हमारा पैटर्न किस तरीके से समझ में आने लगा है। देखिए हमने पहला फंदा पीछे को फंदा करके धागा अपनी ओर किया, स्किप फंदे को हमने फिर से स्किप किया है और सीधा फंदा बनाएंगे। इसे सीधा फंदा बना लिया, धागा अपनी ओर किया, स्किप फंदे को फिर से स्किप कर दिया और इसे हमने बना लिया। चलिए रो कंप्लीट हो गई है। और 6th रो, सॉरी 7th रो, अब जो फंदा पिछली बार स्किप किया था उसे बनाएंगे और जो पिछली बार बनाया था उसे स्किप करेंगे। बस इसी तरीके से हमें ये रो अपनी कंप्लीट करनी है। तो चलिए हम अपनी रो कंप्लीट कर लेते हैं। गाइस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए हम 8 रो बना रहे हैं। दादा पीछे किया, जो फंदा हमने बनाया था उसे पीछे को धागे करके सीधा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारा ये पूरा पैटर्न रिपीट होता चला जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पैटर्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।